म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब से मेरी गुजारिश है कि सरकार देखिएगा और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जिस अधिकारी को आपने सस्पेंड कर दिया था, जिस अधिकारी की आपने हकाल पट्टी कर दी थी 10 महीने पहले, आज भी वो अधिकारी आपके ऑफिस के अंदर आकर बैठ रहा है और बैठकर जो है तो खुल्ला खुल्ला भ्रष्टाचार कर रहा है और यहाँ पर गरीब लोगों का खून चूस रहा है। मैं आपको संभालने के बारे में मैं ऐसे कुछ बोल नहीं रहा, जो है वो बता रहा हूँ। आप काम ले रहे हो उसी कुछ है तो आज आपके ऑफिस से एक लेटर आया कि भाई आपकी वीडियो परमिशन मिले 3,000 तो बढ़िए 5,000 रुपए आपके दीपांश साहब को भर चुके 5,000 रुपए दिया कितने नौकरी के ऊपर नहीं है, कहीं के ऊपर नहीं, अभी पैसे कहीं के लिए हमने ऐसा अधिकारी जो है गरीब तो पैसे ले रहा आवास योजना के, वो अधिकारी सस्पेंडेड होने का तुम्हारे बीच में आके बैठ रहा, कैसा बैठ रहा? अभी अकेला नहीं है तो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन की ऑर्डर है हमारे पास। अरे भाई जब ऑर्डर है तो फिर वो आके बैठा कैसे यहाँ पे, उसकी जो है तो उसके कैबिनेट उसकी पार्टी कैसा लगी थी, हमारी के ऊपर उसका नाम कैसा दिखा हुआ है? वो पहले जैसे पहले बैठता था तो उसकी पार्टी भी है, अभी भी बैठ रहा सरकार, जब अभी भी बैठ रहा, अभी भी बैठ रहा, आज भी बैठा था, वो कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है, वो आके वहाँ बैठता हूँ कैबिन में क्योंकि, और उसने बुलाया कि ये फाड़ के फेंक दो, पेंशन मत ले, तूने मेरे को पैसे दे दिया है, फाड़ के फेंक दे। रिकॉर्डिंग है उसकी मोबाइल, आपको जो ऑर्डर दे रहे उनके हिसाब से बिल्डिंग परमिशन लेना अपने और काम चालू करना। तो इनने कहा के पैसे दिया, बिल्डिंग परमिशन के पानी का पैसे दिया, ये जहाँ तक ये दे तो आपको बिल्डिंग परमिशन लेने को बोले, बिल्डिंग परमिशन ले लो काम चालू करो, वो तो ले लेंगे, इनने कहा के 5,000 दिया। सर आप मान रहे क्या, जो यहाँ बैठे सुनो सर, आपके ऑफिस में बैठ के वो आपका कलीग बन के यहाँ बैठ के 5,000 रुपए ले रहा लोगों से और आपको इसकी भनक भी नहीं है। आप निवेदन दे दो, हम पुट अप करेंगे आपके ऑर्डर को, आपके ऑर्डर उनको ऑलरेडी इश्यू करने वाले, फिर आपके साथी बैठे हो सरकार, आपके कैबिनेट बैठे ना, सुन साहब के पास जाएंगे, साहब के पास आगे बोलेंगे ये उनसे काम ले, चिपानी साहब से ये काम भी ले रहे, आप सबको पैसे जमा कर रहा है, ये सब बात के खा रहे आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो औरंगाबाद के गरीब हलकों में जो घर बनाए जा रहे हैं, तो एक ऐसी एक कंप्लेंट जो तो दारुस्सलाम पर आज आई थी कि जो कॉरपोरेशन के अधिकारी साहब हैं उन्होंने बिल्डिंग परमिशन के लिए जो है तो उनसे पैसे मांगे हैं, तो भाई ने जो है तो उनको पैसे दे भी दिए। जब हमने कॉरपोरेशन में आके पूरी तहकीकात की तो पता चला कि 28/2/2020 को म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब ने ये जो निपानी साहब है संतोष निपानी, इसको सस्पेंड कर दिया था, इसकी हकाल पट्टी कर दी थी। हकाल पट्टी करने के बाद भी ये अधिकारी साहब जो है तो कॉरपोरेशन के अंदर आ रहे थे और जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो ऑफिस है उसके अंदर आके बैठ रहे थे और बैठकर जो है तो खुला खुला भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दे रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये जो भाई है इनसे बिल्डिंग परमिशन के नाम पर उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए, जबकि वो अधिकारी एक्स अधिकारी जो है तो सस्पेंडेड है, उसकी हकाल पट्टी हुई हुई है। हम उसके बाद जो है तो जो डिप्टी इंजीनियर साहब है मोरे साहब उनसे हमने बातचीत की, डिप्टी इंजीनियर साहब ने कहा है कि अगर वो अधिकारी आकर बैठता है तो हम उसके ऊपर जो है तो तुरंत एक्शन लेंगे और उसके ऊपर FIR किया जाएगा। ये भाई के हम लोगों ने अभी यहाँ पर कंप्लेंट भी मोरे साहब के पास दी है और इंशाल्लाह मोरे साहब ने जैसा कहा है कि कल उसके ऊपर हम लोग FIR भी करेंगे और FIR करेगा जो है तो उसके पास जो लीगल एक्शन है वो किया जाएगा। मेरी तमाम शहरवासी से गुजारिश है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कहीं भी कोई भी अधिकारी आपसे घूस मांगता है तो उसकी कंप्लेन आप दारुस्सलाम के ऊपर करिएगा, 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब से मेरी गुजारिश है कि सरकार देखिएगा औरंगाबाद शहर में क्या चल रहा है, आपके म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस म्युनिसिपल के ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है, आपके टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जिस अधिकारी को आपने सस्पेंड कर दिया था, जिस अधिकारी की आपने हकाल पट्टी कर दी थी 10 महीने पहले, आज भी वो अधिकारी आपके ऑफिस के अंदर आकर बैठ रहा है और बैठकर जो है तो खुल्ला खुल्ला भ्रष्टाचार कर रहा है और यहाँ पर गरीब लोगों का खून चूस रहा है, इसके ऊपर एक्शन लेने की आपकी भी जो है तो जिम्मेदारी बनती है। मैं अपील करता हूँ आपसे कि आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिएगा।